हेलो गाइस, वेलकम टू द एजु अकेडमी वंस अगेन। दिस जयकांत वर्मा हियर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भरत से, जिन्होंने इरकॉन कंपनी में प्लेसमेंट लिया है। ये एक PSU कंपनी है और ज़्यादातर मुझे लगता है सिविल इंजीनियर्स का जो स्टूडेंट्स हैं सिविल के, उनका सपना होता है एक इरकॉन में जाना, क्योंकि ये PSU है और कोर कंपनी है सिविल की। तो भरत, थैंक्स फॉर कमिंग टू द एजु अकेडमी वंस अगेन। मैं आपको पहले भी बुला चुका हूँ, आपका LNT में प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में इरकॉन के बारे में बात करेंगे। तो भरत, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि जो इरकॉन ने आपको किस प्रोफाइल के लिए आपको रिक्रूट किया है वहाँ पर, और कंपनी का काम क्या है? जो इरकॉन कंपनी है वो हमारे कॉलेज में असिस्टेंट मैनेजर E1 लेवल की पोस्ट के लिए कॉलेज में आई थी। और जो बेसिकली कंपनी है, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है इसका, मतलब ट्रैक कंस्ट्रक्शन। तो एक तरह की ये PSU कंपनी है, सिविल की कोर कंपनी मानी जाती है एक। तो भरत, अब मूव करते हैं प्रोसीजर की तरफ कि प्रोसीजर क्या था जब कंपनी आपके कॉलेज में आई थी, तो क्या उनका स्टेप्स थे? बेसिकली कंपनी ने हमें सबसे पहले CG बेस पे शॉर्टलिस्ट किया था। अबाउट 40 स्टूडेंट्स CG बेस पे शॉर्टलिस्ट किए थे, और आई थिंक सबसे लोएस्ट CG 6.7 समथिंग कुछ रही थी। फिर CG से शॉर्टलिस्ट करने के बाद में नेक्स्ट डे कंपनी ने हमारा इंटरव्यू लिया था, जिसमें तीन तीन इंटरव्यूअर थे, जिसमें से दो E8 लेवल के मैनेजर थे और एक IAS HR मैनेजर थी, जिन्होंने हमारा तीनों ने मिलके इंटरव्यू लिया था। तो भरत, हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं कि इंटरव्यू में आपके साथ क्या हुआ था, कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, या वो HR ओरिएंटेड थे या फिर आपके जो सिविल इंजीनियरिंग के कोर ओरिएंटेड, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो HR रिलेटेड थे, कि बेसिक आपका करिकुलम क्या है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, हॉस्टल में क्या बना है, खाना क्या है, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी 12th में परसेंटेज कितनी थी, 12th में 12th कहाँ से पास किया आपने। इन सब क्वेश्चंस के बाद उन्होंने जो हमने रिज्यूमे दिया था उससे रिलेटेड एक सर ने रिज्यूमे से क्वेश्चन पुटअप किए, कि जैसे रिज्यूमे में जो हॉबीज़ लिखी होती हैं उनसे बारे में सर ने पूछा कि ये जो तुम हॉबीज़ लिख रखी हैं, क्या तुम ये सारी इनको रोज़ खेलते हो? जैसे मैंने प्लेइंग्स के बारे में सारे गेम्स लिख रखे थे, तो सर ने पूछा था कि तुम ये सारे गेम्स खेलते हो, तो उसके लिए आपको एक जस्टिफाई आंसर देना था। और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि जैसे तुम्हारा पिछली किस कंपनी में बैठे हो, तो मैंने बताया था कि मैं LNT में बैठा था, तो उन्होंने पूछा कि हो गया था, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हो, तो उन्होंने बोला था कि पैसा ज़्यादा इसलिए आना चाहते हो, तो मैंने बोला था कि पैसा मैटर नहीं करता, आप अगर LNT में मेहनत करोगे तो वहाँ पे भी पैसा ज़्यादा हो ही जाएगा, तो पैसा मैटर नहीं करता है। तो मतलब आपको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना था उन्हें, कि जिससे उन्हें कि लगे कि बच्चा कि मतलब कंपनी पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है, कंपनी उसे कंपनी चाहिए दिल से, ये मैटर था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे रिज्यूमे में, मैंने ट्रेनिंग JDA से करी थी, तो पूरा मेरा इंटरव्यू ट्रेनिंग की तरफ ओरिएंटेड हो गया था। तो उन्होंने मुझसे वापस जो LNT में जो ही पूछा गया था, पाइल फाउंडेशंस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, कि पाइल का डायमीटर कितना है, पाइल की लेंथ कितनी है, पाइल में कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, पाइल टेस्टिंग कैसे करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड टू मी। मतलब आपको आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को सुन के ये भी लगता है कि जो इंटर्न थी उससे उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। तो आपको क्या लगता है कि जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटर्न किस तरह से चूज़ करनी चाहिए और वहाँ पे उनको कैसे काम करना चाहिए, जो कि जो इंटर्न है उनकी प्लेसमेंट में हेल्प कर सके? आप अगर इंटर्न करने किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड देखिए, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, जिससे मेरे को आगे इसमें हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने देखा कि जो मेरा साइट पे वर्क चल रहा था, तो ऑलमोस्ट रोज़ पाइल फाउंडेशन ही देखने को मिलती थी, तो हमने पाइल फाउंडेशन रोज़ देख देख के इतना हमें सीख गए थे कि हम भी खुद एक पाइल कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो हमें पूरा प्रोसीजर पता लग गया था कि पाइल फाउंडेशन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो इसलिए ट्रेनिंग को रेगुलरली सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है। तो भरत, मुझे लगता है कि आपकी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, आपने जो भी प्रोसीजर बताया, इसको सुन के काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी और वो इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और आपकी तरह भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे इरकॉन हुआ, LNT हुआ, उनमें प्लेसमेंट ले सकेंगे। और यहाँ पर जैसे मैं आपका इंटरव्यू आज ले रहा हूँ, वो भी मुझे कभी भी इंटरव्यू देंगे। तो गाइज, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक कर सकते हो। जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो
जो ये वीडियो ज़्यादातर लोगों को सजेस्ट होता है और ये ज़्यादातर लोगों पर पहुंच पाता है। तो आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोर कंपनीज हो चाहे वो नॉन कोर कंपनी हो आपसे रिलेटेड, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं और आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एजू अकेडमी के अगली वीडियो में। थैंक यू।